रक्षाबंधन वो त्यौहार जिसके लिए पूरा साल भाई और बहन दोनों ही उत्साहित रहते हैं, लेकिन इस साल उस त्यौहार को लेकर लोगों के मन में काफी सवाल हैं कि आखिर राखी किस दिन मनाई जाए, 11 अगस्त को या 12 अगस्त को। इसी दुविधा को दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य घनश्याम जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल सावन मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन इस साल सावन की पूर्णिमा दो दिन यानी 11 अगस्त और 12 अगस्त को आ रही है, इसलिए लोगों में काफी कंफ्यूजन है कि यह त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। जय माता दी। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आपको इस चीज़ में, और लोगों को जो संशय है इसमें रक्षाबंधन के विषय में, उस संशय को दूर करने के लिए आपने ये प्रयत्न किया है। तो रक्षाबंधन जो है वो श्रवण पूर्णिमा के दिन आता है, ये मैक्सिमम सबको पता है। इस बार डाउट क्या है लोगों के दिल में, रक्षाबंधन की जो पूर्णिमा है वो 11 तारीख को 10:39 पर शुरू होगी और अगले दिन 12 तारीख को 7:06 तक चलेगी। लेकिन 11 तारीख को 10:39 पर जैसे ही पूर्णिमा शुरू होगी, उसी समय भद्रा काल जो है वो शुरू हो जाएगा, जो कि 8:53 तक शाम तक चलेगा। तो भद्रा काल में किसी भी शुभ कार्य का निषेध माना जाता है। हालांकि बहुत से शास्त्रों में कुछ ऐसे मतलब उन्होंने दिए हुए हैं, व्यवधान दिए हुए हैं कि आप ये कर सकते हैं, पर भद्रा काल में किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। और रक्षाबंधन एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं, एक महत्वपूर्ण जो है वो त्यौहार है। बहन भाई का आपस में प्रेम संबंध तथा उनकी रक्षा को लेके जो भी उसमें रहते हैं विषय रहते हैं, उनको देखते हुए मैं तो ये चाहूँगा कि इसको बिल्कुल शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। शुभ मुहूर्त जो रक्षाबंधन का है वो 12 तारीख को 5:00 से लेके 7:06 के बीच में मनाना चाहिए, ताकि पूर्णिमा के बीच में ही वो जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा सके। जी, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि 11 तारीख को रात का भी समय है। देखिए, बिल्कुल रात का समय है, वो है 8:53 के बाद आप रात को कर सकते हो, पर किसी भी शुभ कार्य के लिए रात्रि काल में मैं उसको वर्जित मानता हूँ। और जी रक्षाबंधन जो है जी हमें बिना खाना खाए जैसे फास्ट रखते हैं हम, इसी तरह से हमें करना चाहिए। तो रात के 9 बजे तक कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसे बिना खाना खाए रह सकता है, फास्ट में रहना मुश्किल है उसके लिए। तो मुझे लगता है कि अगला दिन जो है वो बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त है, 5:00 से लेकर 7:06 तक, तो वही शुभ है और उसी को हमने ग्रहण करना चाहिए। तो आपका यही कहना है कि 12 तारीख को 5:00 से लेकर 7:06 तक का जो मुहूर्त है वो रक्षाबंधन के लिए शुभ है। जी जी, वो सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, उसी में बांधना सबके लिए अच्छा भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एक सवाल था जो जम्मू में और बाहर भी हर जगह सबके मन में था कि राखी के लिए कौन सा मुहूर्त शुभ है। जी, आपने हमारा ये डाउट क्लियर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कश्मीरी समाचार का, जिसने लोगों के दिल में जो संशय चल रहा था 11 और 12 का, आपने उसको जो है वो क्लियर किया है। शुक्रिया। जय श्री राम। ये थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य घनश्याम जी, जिनसे बात करके हमने जाना कि इस साल रक्षाबंधन के महापर्व पर भद्रा काल का साया है और भद्रा में किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। जैसे आचार्य जी ने बताया कि 11 अगस्त की रात 8:00 के करीब भद्रा काल खत्म हो जाएगी, लेकिन रक्षाबंधन जैसा शुभ कार्य सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में बहनें ना तो 11 अगस्त के दिन भद्रा काल में भाई को राखी बांध सकती हैं और ना ही रात के वक्त, इसलिए बेहतर यही होगा कि रक्षाबंधन 12 अगस्त को 7:00 से पहले मनाया जाए, क्योंकि 12 अगस्त को पूर्णिमा तिथि भी है और भद्रा काल भी नहीं रहेगा।